जय जोहर संगवारियों, खबर संझा के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मनकुती रायपुर बड़का खबर सबले पहले आप दिखा दें। जी पूर्व सीएम रमन सिंह कर्नाटक रवाना, कर्नाटक में बोमन हल्ली में करी प्रचार। कर्नाटक रवानगी ले पूर्व सीएम कई सावे के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जवाबदारी दे जाते। बोमन हल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रवास है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और डोर टू डोर संपर्क करूँ। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान गलोक सामने सावे कई की जी हाँ भूपेश बघेल के ही वहाँ बंटा धार करके आए सावे। हम उम्मीद करते कि कर्नाटक ले भूपेश बघेल जात हवे तो वहाँ भी कांग्रेस साफ हो जाए। वहाँ जाके छत्तीसगढ़ मॉडल लब बताऊँ कैसन यहाँ शराबबंदी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन दे के बात कही गई सावे। संविदा कर्मचारी मन ला रेगुलर करे के बात कही गिरी सावे। बड़े बड़े वादा हाथ में गंगा जल लेके करे गिरी सावे, लेकिन 4.5 बछर में कुछ नहीं करेगी। कर्नाटक में भाजपा के पूर्ण बहुमत ले सरकार बनत। तो बड़का खबर आप मतलब दिखा दें। जी हाँ, बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह कर्नाटक दौरा के पहली बात गलो करी सावे। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मल्ला कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार करे की जिम्मेदारी मिली सावे। बेंगलुरु पहुंचे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रचार के कमान संभाल ली सावे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर नागमंगला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुधा शिवराम गोड़ा के पक्ष में प्रचार करी। एक अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव कर्नाटक रवाना होगी सावे। वहा अरसीकेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ला नागा मंगला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के जिम्मा मिली साहब है। वह घलोक रवाना हो चुके हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज अभी रवाना हुई साहब है। अच्छा, पहली बार लगा है, वर्षों बाद। चलो, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। कम से कम पूछे तो उनको 15 साल में उनको मौका मिला और छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई तो उसके बाद अब 3-4 सालों में देखेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता के जेब में सीधा पैसा गया है। उसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, उसका असर शहरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। आज कहीं मंदी का असर नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने व्यक्ति को केंद्र मानकर उसको उसके हिसाब से जो कार्यक्रम संचालित किए तो उसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिला, और इसी कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इतिबर दुर्ग जिला में कोरोना ले 10 दिन के भीतर दूसर मौत ले स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट हो गया। वह दूसर मौत केलाबाड़ी दुर्ग के एक बुजुर्ग महिला के एम्स रायपुर में हुई सावे। एकर पहले 16 अप्रैल के 14 निवासी एक बुजुर्ग के मौत हुई रही। इतिबर रविवार के 38 लोगन मन के कोरोना जांच में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले रही नावे। इसी तरह जिला में कोरोना के एक्टिव मरीज मन की संख्या 219 हो गई। इमाले 6 मरीज अस्पताल में भर्ती है और बाकी के इलाज होम आइसोलेशन में चलत आवे। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेसराम के कहना आ रहे कि अभी कोनो पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बढ़त मरीज मन के संख्या ला देखत हुए चिकित्सक मन के ड्यूटी ऑन कॉल लगाएगी साहब। एकर अलावा सबो संसाधन मन ला अपडेट करेगी साहब। बार मैंने पिछले बार भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बार बार हाथ धोए, मास्क पहने, भीड़ वाले इलाके में ना जाए, और यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है तो आप उनसे संपर्क न रखें। हम अपने होम आइसोलेशन जितने भी हैं उनके लगातार संपर्क में हैं और उनकी जो कंडीशन है वो तकरीबन ठीक हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के बाद डॉक्टर भूपेश बघेल कहलाई। बता दें कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में आयोजित दीक्षांत समारोह में सोमवार के ओला पीएचडी के मानद उपाधि दी गई सावे। एकरे संग कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो चे डॉक्टर कहलाए के हकदार हो चे। हालांकि एकर सीधा संबंध कोनो भी चिकित्सकीय पाठ्यक्रम ले नहीं है। ये डॉक्टरेट ए फिलोसफी होते और बोलचाल या रोजाना के काम मन में एकर उल्लेख नहीं करे जाते। इतिवार बीजेपी रायपुर ग्रामीण के जिला कार्य समिति की बैठक सोमवार के एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित हुई सावे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, महामंत्री पवन साय है बैठक ले से, जिम्मा कार्यकर्ता मन ले फीडबैक लेगी। पीएम मोदी के 100वे मन के बात ला 100 ले ज्यादा पोलिंग बूथ में पहुंचायला लेके रूपरेखा गलोक बैठक में बनाएगी से। वे मंत्री सुडहरिया के बयान में विधायक सौरभ सिंघा पलटवार करत हुए कही कि इंडिपेंडेंट सर्वे बता था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनत है। इकले बात ले कांग्रेस के खेमा में ये बात के खलबली है। संगठनात्मक कार्यक्रम चला, उसके बाद
माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वें मन की बात का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थान पर कम से कम इस कार्यक्रम को पोलिंग बूथ स्तर में सुना जाएगा और अन्य भविष्य के जो स्थानीय स्तर पर आंदोलन के कार्यक्रम करने हैं उसकी रूपरेखा और दिशा निर्देश दिया जा रहा है। 10 अप्रैल के लालबाग में चक्का जाम के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता मन द्वारा लेके शपथ ला हेड स्पीच के श्रेणी में मानत हुए क्रिश्चियन फोरम के लोगन मना रायपुर ले जगदलपुर पहुंच के शिकायत दर्ज करवाए पुलिस आवेदन सौंपे सावे। संस्था के पदाधिकारी मन के कहना रहे कि बस्तर में 1950 ले धर्मांतरण होते कभी कर शिकायत नहीं हुई सावे और अगर हुए भी रही सावे तो कोनो भी दोषी नहीं ठहराया जा सके। संविधान में दे गए प्रावधान के मुताबिक ही कलिसिया के लोगन मन काम करत आवे। शपथ ग्रहण समारोह हुआ है जिसमें देश को बांटने का शपथ दिलाई गई है। इसको हम गैर संवैधानिक नहीं, इसको सेडिशन के लॉ के अंतर्गत देखते हैं। वो धारा 124 लगती है जिसमें देशद्रोह की धारा लगती है, ये हमारी आपत्ति है। तो इस किस्म की शपथ ग्रहण वगैरह इसको अगर ढीला छोड़ दिया गया तो आज पूरे देश में आग लग जाएगी। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज विधानसभा ले विधायक बृहस्पत सिंह के एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी ले फिर वायरल उठावे जिमा हुआ चौकी प्रभारी ला रिश्वत के पैसा लौटाए के बात कर दी। दरअसल एक पीड़ित ले रिश्वत ले की शिकायत विधायक करा जाके करी सावे जिकर बाद विधायक विजयनगर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र बंजारे ले बात करी सौ रिश्वत नहीं लेके हिदायत दी। वीडियो में चौकी प्रभारी ऊपर 7000 रिश्वत लेके आरोप फरियादी लगात हुए नजर आते। वायरल वीडियो में कोनो कृष्णा रवि नाम के शख्स के माध्यम ले गलोक 50000 रुपया लेके बात सामने आती सावे जिमा विधायक एक कहत हुए नजर आते कि बड़ा रकम लौटा दो छुटपुट ला रख लो। हालांकि ये पूरा मामला में अभी कोनो हा प्रतिक्रिया नहीं दी सावे। बोलो 50000 लियो तो इसको भेज रहा हूँ आमने सामने, इसको पैसा वापस करा दो। केस मुकदमा दौड़ते दौड़ते तो हजारों केस ऑलरेडी कोर्ट में पड़ा है, इस बेचारी कहाँ तक ये न्याय लड़ दौड़ पाएगी, है ना? पैसा वापस करवा दोगे ना इसको? ना, और नहीं वापस करता है तो रिपोर्ट लो और उसको जेल भेजो। आप इस आवेदन को मेरे पास एक छोड़ दीजिए, एक आवेदन बंजारे को लेके जाते दो, ये बुला के पैसा वापस नहीं कराएगा, हम दोनों तीनों को निपटाएंगे, ठीक ना? मेरी बात हो गया, तुम जाओ बोलो विधायक। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार एक्शन मोड में नजर आते। दरअसल लंबा बेरा ले शासकीय कार्यालय ले अधिकारी कर्मचारी मन के गायब रहे की शिकायत मिलत रही सावे जिनला संज्ञान में लेते हुए सरगुजा कलेक्टर कई शासकीय कार्यालय मन के निरीक्षण करी। हालांकि दौरान लगभग 16 अधिकारी कर्मचारी कार्यालय निर्धारित मिले सावे जिनला ले के सरगुजा कलेक्टर नाराजगी घलोक जाहिर करी। एक संग लापरवाही बरते वाला अधिकारी कर्मचारी मरला कारण बताओ नोटिस घलोक जारी करी सावे। वही उचित जवाब नहीं मिले ऊपर वेतन कटौती के कार्रवाई भी करे। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार बताइस के शनिवार रविवार छुट्टी हुई के स्थिति सोमवार के वर्किंग डे रही थे और ये दिन काफी संख्या में लोगन मन शासकीय कार्यालय में पहुंचते लेकिन अधिकारी मन की उपस्थिति नहीं रही के स्थिति लोगन मन ला काफी परेशानी के सामना करे बर पड़ते और ये बात के लगातार उच्च अधिकारी मन ने शिकायत मिलत रही। आगे भी इस प्रकार के निरीक्षण जारी रही और समय सीमा में ऑफिस में नहीं रहे वाला कर्मचारी मन पर कार्रवाई करे जाए। जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है, बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारियों को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई टूर इंस्पेक्शन ना हो। इति पर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए। रायपुर में बागेश्वर धाम कथा आयोजन के दौरान बिलासपुर के सुल्ताना बेगम मंच ले हिंदू धर्म स्वीकार करी सावे। सुल्ताना जब हिंदू धर्म ग्रहण करी सोकर बाद ओकर नाम सुभी दासी रखेगी सावे। अब सुभी दासी बागेश्वर धाम ऊपर एक एल्बम सॉन्ग बनाई से एल्बम के नाम चलो बागेश्वर धाम रखेगी। सुभी ले बातचीत करी INS24 संवाददाता मोनिका दुबे। धाम और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का जो प्रचार है और कथा की जो शोर है वह आज भी राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में है और उसी कथा के दौरान एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म ग्रहण किया था जो हमारे साथ है शुभि जी। मैडम सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में ऐसी कौन सी चीजें आई कि आपने धर्म परिवर्तन करना सही समझा कथा के दौरान? बहुत सारी चीजें थी, बचपन से मैंने नोटिस किया था मैं किसी भी धर्म का विरोध तो नहीं करूंगी, अपनी जगह हर धर्म अच्छा है लेकिन एक श्रद्धा की बात होती है कि जिसके मन में जिसके प्रति श्रद्धा, तो मेरे लिए मन में बचपन से
ठाकुर जी मतलब कान्हा जी के लिए भक्ति थी शुरू से, मतलब बचपन से मैं उनको मन ही मन पूछती थी, चोरी छुप के मंदिर भी जाती थी और बस उन्हीं की भक्ति करती रहती थी। और उन्होंने ही मुझे बागेश्वर धाम से भी जोड़ा है, क्योंकि मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी, कभी मिली नहीं थी, बस यूट्यूब में 2-3 महीने से ही मैं उनका मतलब वीडियो वगैरह देखती थी फेसबुक यूट्यूब में। और जब मुझे सडनली पता चला कि रायपुर में उनकी कथा हो रही है तो मैंने सोचा कि चलो किस्मत आजमाते हैं, दिव्य दरबार है। क्योंकि मैं दिव्य दरबार में अर्जी लगी थी आपकी, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की नजरें थी कि एक मुस्लिम महिला हिंदू धर्म ग्रहण करने जा रही है। दिव्य दरबार में अर्जी लगने के बाद आपने आचार्य जी को राखी भी बांधी, कैसा अनुभव था पहली बार? पहली बार तो यह कि मेरी अर्जी लगी नहीं थी, मैं खुद गई थी वहां तक के। मैंने मतलब वहां जो समिति के जो कार्यकर्ता थे उन लोग को भी बताया, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी को मैंने सारी बातें बताई अपनी। और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि तुम बहुत शुभ हो और ठीक है, हम तुमको बहन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तब उन्होंने कहा था कि तुम राखी का इंतजार मत करो, तुम कल ही व्यासपीठ में हमको राखी बांधना। आपने एल्बम सॉन्ग बनाया है धर्म ग्रहण करने के बाद, राम जी के ऊपर आपने गाना बनाया है, 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे उस गाने को। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं वो गाना मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम के ऊपर से गाई हूँ। महिमा पार है बालाजी की, जानत संसार है बालाजी की, दुखों और कष्टों से करते उद्धार है गढ़ वाले हनुमान जी। बोलो बोलो बागेश्वर धाम की जय जय। स्वर्ग से सुंदर प्यारा है नजारा बागेश्वर धाम की, स्वर्ग से सुंदर प्यारा है नजारा बागेश्वर धाम की। बहुत ही शानदार इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। कुछ ही दिनों में इनका जो गाना है वह रिलीज होने वाला है और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहन है शुभी जी, धर्म की बहन है और हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने यह एल्बम सॉन्ग बनाया हुआ है और इनका कहना है कि 2-3 दिनों में यह रिलीज होने वाला है चलो बागेश्वर धाम। तो हम भी यह कहेंगे कि बिल्कुल इनका जो पोस्टर है चलो बागेश्वर धाम जिसे इन्होंने गाया है, आप भी इस गाने का लुत्फ जरूर उठाए। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह गिल के साथ मोनिका दुबे, INews 24x7 रायपुर। के बाद एक बार फिर आप जम्मू मन के स्वागत है बर्तन बाजू खबर को। यदि अहमद के बमबाज गुर्गा गुड्डू मुस्लिम फरारे बता दें कि कुछ दिन पहले होकर लास्ट लोकेशन उड़ीसा में पाए गए रिसावे और UPSTF के टीम होकर तलाश में उड़ीसा पहुंची से, लेकिन गुड्डू मुस्लिम हाथ नहीं आई। वही राजा खान नाम के एक शख्स ले पूछताछ करेगी सावे, जेकर बाद गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ भागे के आशंका पुलिस जता थी। दरअसल UPSTF ला जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक बदमाश के साथ गुड्डू काफी अच्छा रिश्ता है। बताया जाते है कि सोहिला के बाद गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन नहीं मिली से, लेकिन ये लास्ट लोकेशन छत्तीसगढ़ सीमा के आसपास है। सोहिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया गांव ले सटे हुए सावे। हालांकि कयास ए लगाए जाते कि एसटीएफ के आय के सूचना मिले के बाद गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ के रास्ता कोनो दूसर राज्य में फरार होगी से। इस संबंध में महासमुंद के SP हा बताईस के सोहिला मां पकड़े गए राजा खान के कई बच्चर पहली बसना सरायपाली इलाका में रहत रही सावे। ओकर ऊपर NDPS और आमसेट के तहत 3 मामला घलो दर्ज है। मौजूदा वक्त में ओकर महासमुंद ले कोनो संबंध नहीं है। इसी बार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव राज्य सरकार ऊपर निशाना साधिस, वह कईस के मौजूदा शासन में छत्तीसगढ़ अपराधी मन के पनाहगार बन गए। ऐसन में सरकार स्पष्ट करे कि गुड्डू मुस्लिम कहां है। छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहां छुपा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तत्काल स्पष्ट करें कि यदि ATS को यह पता चल जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहीं महासमुंद में छुपा हुआ है या कहीं और छुपा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे नहीं पता चल रहा है कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जो बमबाज है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा माफिया है, जिसका अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से संपर्क और संबंध है, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ फिर रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार तुष्टीकरण की चरम सीमा को लांग चुकी है। ये कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ आज के स्थिति में ये अपराधियों का, जिहादियों का और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स का पनागाह बनते जा रहा है। ये तत्काल जांच होना चाहिए कि दुर्दांत अपराधी गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में कहां है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ विगत 40 दिन ने लगातार अपन एक सूत्री मांग लेके आंदोलन रहते। 40 दिन बाद भी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिव मन के
शासकीकरण के मांग ऊपर सरकार द्वारा कोनो भी प्रकार के कोनो सकारात्मक पहल नहीं करेगी सावे और नहीं करे जाए नाराज सचिव मन आज ले क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। पखांजूर में धरना में बैठे सचिव मन के आंदोलन मंच में आज 6 पंचायत सचिव मन भूख हड़ताल करी। सचिव मन के कहना आ रहे की क्रमिक भूख हड़ताल आगे 7 दिन तक लगातार जारी रही जेमा क्रमवार तरीका ले रोज 6 के संख्या में विभिन्न पंचायत मन के सचिव भूख हड़ताल करी और अगर 7 दिन के भीतर एकर मांग पूरा नहीं हुई तो आगे सचिव मन द्वारा आमरण अनशन करे जाए। भूख हड़ताल के दौरान बड़का संख्या में पंचायत सचिव उपस्थित रही सौ सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी गलो करेगी। हम लोग का मुख्य कारण है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण। कितने दिन से आप लोग आंदोलन रहते हैं? हम लोगों का आंदोलन अभी 40 दिन हो गया है, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। ये हम लोग का मेन कारण है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण करना है, इसलिए प्रांत से आह्वान किया गया है। भूख हड़ताल पर हम लोग आज स्टार्टिंग है, ये भूख हड़ताल 1 हफ्ता का है, अल्टीमेटम के अनुसार 1 हफ्ता का रखा गया है और इसमें 6 लोग बैठे हैं। केंद्र सरकार नगरी निकाय मन के काम मन के परीक्षण करे बर रैंकिंग जारी करे के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एकर तक सबो निकाय मन ला आय व्यय संबंधी जानकारी सिटी फाइनेंस पोर्टल में अपडेट करना हुई। केंद्र की टीम निगम के आय व्यय और लाभ जैसन बिंदु मन ऊपर निगम के काम मन के आंकलन करी। हालांकि रायगढ़ नगर निगम रैंकिंग पर अब तक तैयार ही नहीं है। बता दें कि पेयजल व्यवस्था में नगर निगम जहां सालाना 1.5 करोड़ के घाटा में है तो वह संपत्ति कर के वसूली भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे में वित्तीय मामला के रैंकिंग में गलोक निगम फिसड्डी साबित होता। कि केंद्रीय टीम रायगढ़ नगर निगम में स्वच्छता का सर्वे के लिए टैक्स का जो रिकवरी होता है उसकी जांच करने के लिए और प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स की क्या परसेंटेज है इसको भी देखने के लिए आने वाली है और रायगढ़ नगर निगम की कोई बड़ी तैयारी इस मामले में दिखती नहीं है। केंद्रीय जो टीम आएगी उसके द्वारा हमारे जो नगर निगम के आय व्यय है उसमें भी वो लोग देखेंगे तो उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। अभी जो कि हमारे जो राजस्व की टीम है उसके द्वारा अच्छा से वसूली कर रहे हैं, जल कर हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो या और कोई भी टैक्स हो उसमें लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे वसूली हो। अतिक अहमद के मामला में छत्तीसगढ़ कनेक्शन गलोक सामने आते जहाँ अतिक के खासम खास गुड्डू मुस्लिम के ड्राइवर के संबंध में महासमुंद के राजा खान का हुए के पता चली। सावे बताया जाते कि UPSTF या राजा खान ने पूछताछ घलो करी। हालांकि ये पूरा मामला में महासमुंद SP के कहना रहे कि राजा खान कई वर्ष पहली महासमुंद के बसना सरायपाली इलाका में घलो करी। सावे जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं कि राजा खान के संबंध में नाम आ रहा है तो राजा खान कुछ समय पूर्व हमारे ज़िले में रहता था, सरायपाली और बसना में निवासरत था। 4-6 साल से ये सुहेला और बरगढ़ ज़िले में ये कोई गांव है वहाँ पर ये रह रहा है और वर्तमान में हमारे यहाँ ये नहीं है। और राजा खान चूँकि हमारे इलाके में जब रहा तो उसके विरुद्ध 3 मुकदमे कायम हुए थे, एक आर्म्स एक्ट के और अपने NDP से, क्योंकि मामला UPSTF का है। उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा गया है और ना ही हमें। सूरजपुर जिला के भटगांव विधानसभा के संजय नगर ग्राम पंचायत जिन नेशनल हाईवे 43 ले लगी सावे यहाँ की सड़क पाछू कई बच्चा ले जर जा रहे और यहाँ के लोगन मन कई बार एक शिकायत विधायक और प्रशासन ले कर चुके हैं लेकिन नतीजा सामने नहीं आई सावे और सड़क नहीं बने ले देख गांव के लोगन मन अब सड़क पर आंदोलन करे की तैयारी में है। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी राजवाड़े के साथ सबो ग्रामीण मनला सामने में नजरें आवे जहाँ सड़क के खस्ता हालत ला देख के राजवाड़ा में घलो का गांव वाला मन के साथ मिलके उग्र आंदोलन की चेतावनी दी हवे। जो रोड एकदम हम लोग चलने फिरने के लायक नहीं है, एकदम चल नहीं सकते, वैसा के भी चलते हैं गिरने। कब से रोड की हालत खराब है? ये आपका 4-5 साल से दुविधा स्थिति में है, गड्ढा भरा हुआ है, चलने में दिक्कत होता है, गिरने का डर रहता है। 2 बार तो गिर भी चुका हूँ। तो कभी आप अपने विधायक या किसी को नहीं बोले? कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते क्या हैं वो लोग? होगा आज नहीं होगा कल होगा यही बोल के चले जाते हैं। बहुत दिन से लोगों की मांग रही है
ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो NH 43 से लेके इधर 4 किलोमीटर दूर आपका बनारस रोड है, ये सड़क वहाँ जोड़ती है और यहाँ की रोड की स्थिति इतनी जर्जर है कि लोगों का हमेशा आए दिन परेशानी बढ़ रहा है। रायगढ़ के खरसिया में 5 साल के मासूम बच्ची किला बाथरूम में बंद करे वाला शिक्षिका ला पुलिस गिरफ्तार कर ली से। बताया जाते कि शिक्षिका मासूम ला अपन घर के बाथरूम में बंद कर दे रही। आसपास के लोगन माने का सूचना पुलिस ला दिस आवे, जेकर बाद चाइल्ड लाइन की टीम के साथ पुलिस मौका में पहुंची से और आरोपी महिला ला गिरफ्तार कर ली। पूछताछ में पता चलिस की कचरा इकट्ठा करे वाला कोनो दंपत्ति ले आरोपी महिला बच्ची ला हासिल करे रिस आवे, ओकर घरेलू काम ओकर से करात रही। हालांकि अब तक बच्ची के परिजन मन के सुराग नहीं मिल सकी से। मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी खरसिया ने भी सूचना दिया था। जैसे सूचना प्राप्त हुआ उसे हमारे कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है और स्पष्टीकरण के आधार पर उनके विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थाने से संबंधित टीम बना के हमने घर में भेजा, वाकई बच्ची जो है हमें बाथरूम में बंद मिली। तुरंत चाइल्ड लाइन की टीम आई, हमने बच्ची को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। बाद में बच्ची के शरीर को अच्छे से देखने पे और बच्ची से पूछताछ करने पे बताया गया कि उसे घर का काम करवाया जाता था। तो महिला बाल विकास और चाइल्ड लाइन के प्रतिवेदन के आधार पे कल FIR दर्ज किया गया है